तो भाई लोग यार, मेरे पास यहाँ पर दो चीज है, एक जो पानी को गर्म करता है और दूसरा पानी को गर्म रखता है। तो लेकिन यार आज हम लोग कुछ ऐसा चीज बनाने वाले हैं जो कि पानी को गर्म रखेगा ही, साथ ही साथ पानी को गर्म कर भी देगा। तो जी हाँ, आज हम लोग बनाने वाले हैं कमाल का इलेक्ट्रिक बॉटल। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, होप करूंगा तुमको ये वीडियो बहुत सही लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं ले लिया हूँ एक बॉटल। ये बॉटल बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इसमें जैसा पानी रखोगे वैसा ही पानी रहेगा। तो यार बहुत पुराना बॉटल है, इसलिए मैंने उठाया, नया बॉटल तुमको नहीं उठाना फ्रिज में से, वरना तुमको मालूम है मम्मी क्या हल करेगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक और ले लिया हूँ, कैन का आउटर कवर वाला टीन होता है उसको मैंने निकाल लिया है, और सैंड पेपर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मैं रब कर दिया हूँ ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास हो। इसे मैं टोटल 4 पीस में कट कर लिया हूँ और इसके ऊपर छेद करके मैं वायर से फटाफट जोड़ देता हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वायर केबल। इस वायर केबल को तुम अपने घर के स्टोर रूम में पा सकते हो, नहीं तो अगर कोई पुराना होम अप्लायंसेस ख़राब हो गया तो वहाँ से निकाल सकते हो। तो मेरे पास बहुत ही पुराना पड़ा हुआ था, और इसे मैं फटाफट से कनेक्शन को कर देता हूँ। और हम लोग का ये जो लोअर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेन इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगा डायरेक्ट 220 वोल्ट, वो बन करके तैयार हो गया है। अब भाई यहाँ पे एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट खुद से बनाते हैं। तो यार मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो तुम देख रहे हो ना, देख करके घर में बनाने का ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई शॉक लग सकता है तुमको सीधा सीधी कस के। यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया है, तो तुम इसे घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करो, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखो और आइडिया देखो। ऐसा नहीं कि भाई जैसा मैंने बनाया वैसे उठा के बना दिया और पता चला शौक लग गया, नाम मेरे पे आया, मना कर रहा हूँ करने को। खैर आते हैं अपने वापस वीडियो पे। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 ब्लेड ले लिया है, और दोनों को एमसील की मदद से अच्छी तरीके से मैंने जोड़ रखा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, फटाफट से दोनों ब्लेड पे वायर का कनेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद देखते क्या होता है, पहले वायर का कनेक्शन फटाफट करते हैं। तो इधर यार बहुत ही दुख से, खैर जो भी करो, बहुत मजबूरन मुझे अपने बॉटल के ऊपर वाले ढक्कन में छेद करना पड़ा, क्योंकि अलग से कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने ढक्कन को फिट करने वाले हल्का सा नीचे जगह पे एक छेद कर लिया है, और वहाँ से मैं वायर को निकाल ले रहा हूँ। और यह वायर कुछ इस प्रकार से निकालना है कि हम लोग का जो दोनों ब्लेड है वो इस बॉटल के अंदर रह करके उसके पानी में टच हो जाए। खैर होप करूँगा अब यहाँ तक तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, लेकिन समझ में आ रहा हो यानी एकदम समझ नहीं लेना है, समझ के घर पे ट्राई नहीं करना है, देख के खाली मजा लो। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बचा हुआ 2 हम लोग का स्ट्रिप था उससे भी मैंने अच्छी तरीके से उसमें छेद करके दोनों वायर से मैं इसे जोड़ दिया हूँ, और इसको भी मैं बॉटल के नीचे चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से। अच्छी तरीके से मैं ऐसे चिपका दूंगा और होप करूंगा अभी तुमको हर चीज़ समझ में आ गया कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिप को भी मैंने नीचे चिपका लिया है, और इस बात का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखा हूँ कि भूल के भी ये एक दूसरे में टच ना हो, वरना भाई पूरा घर ही उड़ जाएगा। मतलब कहने का सेंस है, घर में जितना वायर है वो इस पर आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बहुत भयानक वाला। हालांकि मेरे घर में MCB है, और तुम लोग को भी अपने घर में MCB लगवाना चाहिए क्या होगा ही। खैर कैसा बात कर रहा हूँ मैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट था ताकि शॉक ना लगे, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कट करके हटा दिया। फटाफट से इसे टेस्ट करने का बारी आ गया है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म को नीचे रखते हैं और फटाफट से इधर मैं इसको पावर सप्लाई दे के ऑन करता हूँ। और भाई बिलीव मी, इसके अंदर मैं पानी डाला, एक चीज़ इसका डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा रिस्की है, साथ ही साथ ये गर्म होने में टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने 20 मिनट तक रुका, उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा भाप निकलना चालू हो गया है। भाई 20 मिनट के अंदर ये फिर भी बहुत अच्छा खासा गर्म हो गया, पूरे आधा घंटा के बाद रखने के बाद ये पानी पूरा खौल गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीधा सीधी मैंने इसे एक गिलास में निकाला, और इसका भाप से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना ज़्यादा ये गर्म होगा। तो होप करूँगा तुमको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट जरूर करो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ट्राई इसको बिल्कुल मत करना।